रूपा जी, साल 2022 ओवरऑल कुल मिलाकर कृषि फसलों के लिए कैसा रहेगा और साल 2022 के लिए आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे? साल 2022 कृषि फसलों के लिए अच्छा रहने वाला है। 2021 भी काफी अच्छा रहा है 2020 के मुकाबले, तो 2022 में भी होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा रहेगा एक एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए। अगर प्राइजेस में बूस्टर पाता है तभी फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिल सकते हैं, तो हमारी तो यही कामना है कि प्राइजेस अच्छे रहें, ऊपर रहें और फार्मर्स को उनका अच्छे दाम मिले। और अभी जो स्टेरियो है, देखिए उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, वेदर कैसा रहेगा, क्रॉप कैसी निकल कर आएगी, फिर फसल कैसी रहती है, उसको कोई डैमेज नहीं होता, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अहम रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि प्राइजेस जो है वो अपसाइड में रहेंगे और जो सबसे अच्छी कमोडिटी दिखाई दे रही है साल 2022 के लिए, मुझे लगता है कि बिनोला खल एक अच्छा जो है वो कमोडिटी बनकर निकल सकती है। बिनोला खल के साथ साथ मसालों के अंदर भी अच्छा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो साल 2022 जो है वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन कमोडिटीज के लिए अच्छा रह सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।